अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन स्टूडियो यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछले दिनों जो प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया था, तो भाई उस प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए जो बहुत सारे मेरे भाई हैं उनको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। बेसिकली मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो क्रिएट कर दी है कि भाई आपने किस तरह से अपने आप को इस प्रोग्राम में रजिस्टर करना है। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की है तो भाई इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो मुझे पूछा जा रहा है कि भाई हम जब भी अपनी डेट ऑफ बर्थ इस जगह पर ऐड करते हैं तो इस वाले जगह पर हमारी एज शो नहीं करता है, नन का ऑप्शन ही शो करता है। बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एज ऐड की हुई है लेकिन मुझे भी यहाँ पर नन का ऑप्शन शो कर रहा है। तो भी आपकी एज यानी कि जो करेक्ट एज है वो इस जगह पर किस तरह से शो होगी, तो भी मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा। यूट्यूब चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो भाई यहीं पे ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो भी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, डेट ऑफ जो बर्थ है इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इस जगह पर आके आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर सबसे पहले जो महीने वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ भाई, कोई एक महीना सेलेक्ट कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर जुलाई का महीना मैंने सेलेक्ट कर लिया है। फिर इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ईयर के ऑप्शन पर चला जाता हूँ। 98 है, 97 है और 96 है। भाई इससे जो आगे आगे वाली एज होंगी 15 से 21 साल के दरमियान में वही लड़के यानी कि वही अफराद अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कोई एक जो ईयर है वो भी सिलेक्ट कर लेता हूं। मिसाल के तौर पर मैं यहां से 99 सिलेक्ट कर लेता हूं, तो भी मेरा यहां पर महीना और ईयर सिलेक्ट हो चुका है। अब आप अगर यहां से डेज कोई एक सिलेक्ट करेंगे तो भी आपको यहां पर नन का ऑप्शन शो करेगा। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर 14 का हिस्सा ऐड करता हूं तो भी मुझे यहां पर देख सकते हैं नन का ऑप्शन शो कर रहा है। अगर इसके आगे आगे मैं यहां पर कोई भी ऑप्शन ऐड करूंगा तो मुझे नन का ऑप्शन ही शो करेगा, यानी कि मेरी एज शो नहीं करेगा। अगर आप इस जगह पर 12 तक ऐड करेंगे तो भी आपकी यहाँ पर एज करेक्ट शो करेगा। अगर मैं यहाँ पर 12 वाला हिस्सा ऐड करता हूँ तो यहाँ पर भाई मुझे आप देख सकते हैं मेरी एज शो करने लग गया है। अगर आप 13 का हिस्सा भी ऐड करेंगे तब भी आपकी एज यहाँ पर शो नहीं की जाएगी। तो आपने भाई क्या करना है, यहाँ से कोई एक डेज को सेलेक्ट कर लेना है, वो भी 1 से 12 के दरमियान में। अगर आप 12 से आगे कोई भी डेज ऐड करेंगे तो भी आपकी एज यहाँ पर ऐड नहीं होगी। आपकी जो अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप 5 ऐड करते हैं, 6 करते हैं, 7 करते हैं, तो आपकी जो एज है वो यहाँ पर सही वाली ऐड होगी। लेकिन अगर आप नीचे आएंगे यहाँ पर जो आपने मजीद जो अपनी CNIC कॉपीज़ और कॉपीज़ वगैरह हैं फ्रंट साइड और बैक साइड ऐड करेंगे तो भी आपका यहाँ पर मुकम्मल जो डाटा है वो कम्प्लीट हो जाएगा, लेकिन कोई भी भाई इशू नहीं बनेगा। आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसका जो डेज वाला हिस्सा है इसको 1 से लेकर 12 तक ऐड कर लेना है। आपकी जो एज होगी वो सही वाली इस जगह पर ऐड हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से कामयाब जवान स्पोर्ट्स जो प्रोग्राम है उसमें जो एज का प्रॉब्लम आ रहा है उसको बआसानी सोल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।